दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच आज आम बजट पेश हुआ है। ऐसे में किसान और आम लोगों को यह जानने का बड़ा मन होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या दिया है। चलिए आपको बताते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि केंद्र की सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है, जिसको लेकर उन्होंने कई नए आंकड़े बजट में पेश किए। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना ज्यादा राशि किसानों के खाते में पहुंचाई है। इसके अलावा दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई है। 2013-14 में गेहूं पर सरकार ने 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि यह आंकड़ा 2019-20 में 63,000 करोड़ रुपए पहुंचा, और इस साल यह आंकड़ा 75,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर भी बताया कि एमएसपी को बढ़ाकर 1.5 गुना किया गया है। गेहूं उगाने वाले 43,76,000 किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ है, जबकि पहले 35,57,000 किसानों को लाभ हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021 में किसानों को गेहूं पर 75,100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।